हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आपका सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है सोएब ने और ये लिखते हैं, सर अगर कोई सिक्स एट्थ ट्वेल्थ हाउसेस का प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो और सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में से किसी भी हाउस में हो तो क्या वो विपरीत राजयोग बनाएगा या डेबिलिटेशन की वजह से ये वाला योग कैंसिल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भेजा है सोएब जी ने। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है सोएब जी। और जैसा आपने पूछा है कि कोई प्लेनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में है, स्पेशली सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, और अगर वो सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है तो विपरीत राजयोग का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें बेनिफिट मिलेगा भी और बेनिफिट नहीं भी मिलेगा। बिकॉज सिक्स हाउस का संबंध आपके एनिमी से है, एट्थ हाउस यानी आपके सीक्रेट एनिमीज, ट्वेल्थ हाउस लॉसेस का हाउस है। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आपके एनिमी को वीक कर देता है। कई बार जो आपका एनिमी होता है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि उसका जो स्वभाव हो गया वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बदल गया, मतलब और गंदा हो गया। लेकिन उसकी प्लेसमेंट अगर ट्वेल्थ हाउस में है या एट्थ हाउस में है तो उसका लॉस हो गया। तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हुआ, मतलब दोनों तरफ से बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से समझें कि एक तो उसका स्वभाव जो है वो गड़बड़ा गया तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसका जो लॉस हो रहा है वो आपके लिए ठीक है। और ट्वेल्थ हाउस को हम मानते हैं, जैसे ट्वेल्थ हाउस का संबंध है लॉसेस से, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसा बर्बाद हो गया, खर्च हो गया या किसी प्रकार का लॉस, उसका संबंध ट्वेल्थ हाउस से है। तो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो लॉस की जो वजह है वो ऐसी हो सकती है कि जैसे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो प्रॉपर्टी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा आपका बर्बाद हो गया, और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है तो सिक्स हाउस जो है वो एनिमी का हाउस है, लिटिगेशन का हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो रोग ऋण शत्रु इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ गया तो जैसे मैंने बताया कि ट्वेल्थ हाउस का संबंध लॉसेस से है, सिक्स हाउस का संबंध एनिमी से है, तो यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आपके एनिमी का लॉस कर सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर सिक्स हाउस एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन अगर अच्छी है और वो अगर सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस में जाते हैं, अपने फ्रेंडली साइन में है, अपने एक्जल्टेशन में है, अच्छी जगह प्लेस है, मतलब अच्छी पोजीशन में है, यानी राशि का जो लॉर्ड है वो उनका फ्रेंड है या अच्छी पोजीशन में है वो, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिक्स हाउस ट्वेल्थ हाउस और एट्थ हाउस की चीज़ों से भी आपको गेन होता है। यानी ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्जल्टेशन में है तो पितरों की सपोर्ट मिल जाती है, सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्जल्टेशन में है तो जो आपका शत्रु होगा वो समझदार होगा, पागल नहीं होगा, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अपने अच्छे बदलाव के लिए होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे बदलाव के लिए होगा। जैसे सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाता है अपने डेबिलिटेशन में है तो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण फोर्थ हाउस की चीज़ों का लॉस कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण जो भी आपका सुख है वो बिगड़ सकता है सडनली। तो इनके नेचर को ये बताता है कि सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर डेबिलिटेशन में है तो उनकी जो सोच है, उनका जो नेचर है वो खराब हो सकता है जिनका संबंध सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस से है। लेकिन जैसा आपने पूछा है कि विपरीत राजयोग का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको 100% मिलेगा क्योंकि सिक्स हाउस आपके शत्रु का हाउस है, एट्थ हाउस जो है वो आपके सीक्रेट एनिमीज हैं, ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस है, और अगर ये आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं या सिक्स हाउस एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपस में किसी भी हाउस में चले जाते हैं तो जो भी विपरीत राजयोग का जो बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सोएब जी का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि सिक्स हाउस एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में होते हैं और विपरीत राजयोग बना के बैठते हैं तो क्या इनका बेनिफिट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सिक्स हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में या विपरीत राजयोग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।